दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सरेआम फायरिंग करते हुए बदमाश एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। बीती कल देर शाम नरेश नाम का एक युवक अपने घर पर मौजूद था, तभी गली से भागते हुए 6 से 7 लड़के झुंड बनाकर आए, जिनके हाथों में रिवॉल्वर मौजूद थी। हाथों में रिवॉल्वर लेकर भागते हुए बदमाशों को देखकर गली में खड़े लोग भी अपने घरों में घुसने लगे। तभी हमलावरों ने नरेश के ऊपर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के दौरान नरेश को एक गोली जा लगी, जबकि दूसरी गोली नरेश के गाल को छूकर पास से निकल गई। नरेश तुरंत जान बचाकर घर के अंदर जाने लगा। इसके बाद हमलावरों ने घर के ऊपर भी कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद हमलावर गली में हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ये सभी हमलावर आसपास के ही आवारा लड़के बताए गए हैं। घायल नरेश को अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका अभी इलाज जारी है। वहां से भागता हुआ आया, अपने भाई को आवाज मारी कि नरेश मुकेश मुकेश बार बार फायरिंग हो रही है। और जैसे ही वो अंदर आया, वैसे ही 5-6 लड़के आए, सबके हाथ में पिस्टल, सबके हाथ में, और सब इतने तेज फायरिंग कर रहे थे। उनकी मिसेज थी, यहाँ से अंदर भागी है, 2 सेकंड नहीं हुआ, उन लोगों ने ऐसे फायरिंग करी जैसे बच्चे मतलब वो खेलते हैं ना चोर पुलिस का खेल, ऐसे ऐसे फायरिंग करके और तुरंत भाग गए। नरेश अकेला है, उसने मुखबिरी की नरेश अकेला है, पुलिया पे खड़ा हुआ है। इतने में वो लोग सारे जने 6-7 लड़के आए और मैंने इसको पकड़ने के, नरेश सीधा मेरे भाई गली की तरफ दौड़ता हुआ घर के अंदर घुस गया। इस में मेरी मिसिज और बच्चे वगैरह, हम मेरे 3 बच्चे और तीनों बहुएं हमारे घर की, और मेरी मम्मी जो पैरालाइज है, जो चली नहीं सकती, बाहर बैठी हुई थी वो भी, और मेरे दोनों भाई सारे बाहर वाले कमरे में ही थे। उन्होंने फायरिंग ऐसे ऐसे तेज तेज की फायरिंग करी है, 8-10 फायरिंग। परिवार में क्या माहौल है? परिवार के अंदर हम सारे में डर के हमारे बहुत डर लगा हुआ है। हमारे पूरे गली के अंदर ही डर लगा हुआ है, पूरी गली डरी पड़ी है। उन लोगों ने खूब यहाँ पे आगे खूब बंदूक चलाए, सब लोग घर में घुस गए। कितनी फायरिंग हुई होगी? कम से कम 6-7 फायर हुई थी, और 10-12 और 3-7 लड़के थे वो। नहीं, मैं तो खाना खा के बैठी थी, तो मैं आवाज़ सुनी गोलियों की, बाहर निकली तो गोली चला रहे थे वो, और मैंने ऊपर से झाँका तो मेरे ऊपर भी एक चलाई है, मेरे ऊपर भी एक गोली चलाई है मेहरबान ने, और क्या कहते हैं, गोली चला के फिर मैंने एक पत्थर भी मारा उनको, तो वो भाग गए इधर को। फिलहाल अभी तक ये सभी हमलावर पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं और दिल्ली पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन इस तरह से सरेआम वारदातों को अंजाम देना, गोलियां चलाना दिल्ली में आम बात हो गई है, जो दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल भी खड़े करती है। जरूरत है कि दिल्ली पुलिस इस तरह के क्राइम पर सख्ती दिखाते हुए अंकुश लगाए, ताकि लोग अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में दिल्ली पुलिस कितना जल्दी अपराधियों को पकड़ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।